अपन लाइब्रेरी की डिमांड कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड की जा रही है कि लाइब्रेरी जो सेंट्रल लाइब्रेरी है जम्मू यूनिवर्सिटी की, उसे ओपन किया जाए। यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे ये स्टूडेंट्स बैठे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज हंगर स्ट्राइक क्यों। देखिए, हम मजबूर होकर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। हम पिछले 1.5 साल से हमारे वाइस चांसलर साहब से संवाद कर रहे थे, हम उनके पास गए थे कि सर हमारी लाइब्रेरी को, सेंट्रल लाइब्रेरी को 24/7 खोल दीजिए, हमारे पेपर है, हमने पढ़ना होता है। लेकिन अब बच्चों के पेपर आ चुके हैं, हमें पढ़ने के लिए हॉस्टल्स में देखो पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि पीछे जो हमारे हॉस्टल के पीछे जो मोहल्ले हैं वहाँ पे गाने लगे होते हैं, वो ये बंद करवा नहीं सकते। उसके बाद हमने इनसे मजबूर होकर जब हम यहाँ पे बैठे हैं हंगर स्ट्राइक के लिए, तो हमें बार बार ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप यहाँ से उठिए। क्यों? हमारे पे प्रेशराइज किया जा रहा है, पुलिस से हमें फ़ोन करवाया जा रहा है, उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट से हमें प्रेशराइज करवाया जा रहा है कि आप यहाँ से उठिए। देखिए, वाइस चांसलर साहब चाहते नहीं है जम्मू का बच्चा पढ़े। भाई, इसमें हम ही कोई नहीं है, वाइस चांसलर साहब खुद हिपोक्रेट है। आप खुद देखिए, उनके ऊपर लिखा हुआ है 24/7 खुलेगी रीडिंग रूम, लेकिन आज तक नहीं खुल रहे। हमने इनसे ये ज़्यादा डिमांड नहीं रखी, हमारी एक डिमांड थी कि एक रीडिंग हॉल आप खोल दीजिए हमारे रात। हम हंगर स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम लाइब्रेरी को 24/7 खुलवा के रहेंगे। क्योंकि विशी साहब, आप अगर सिक्योरिटी थ्रेट की बात करते हो कश्मीर के, साफ तौर पे कहना है कि अगर कश्मीर यूनिवर्सिटी की ओपन लाइब्रेरी जो है 24/7 खुल सकती है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी की ओपन लाइब्रेरी क्यों नहीं 24/7 खुल सकती। और भी स्टूडेंट हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हंगर स्ट्राइक पे आपकी एक साल पहले भी जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं उनसे बात हुई थी, उनका क्या कहना था इस बारे में? उन्होंने कहा था कि मैं अभी यहाँ बिल्कुल नया हूँ, मुझे माहौल को समझने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं उसके बाद आपकी ये डिमांड फुलफिल करूंगा। मैम, 1 साल हो गया है, 1 साल के बाद अभी मैम कोई हंगर स्ट्राइक पे खुशी से नहीं आता, मजबूर होके आए हैं, एप्लीकेशंस दी, कोई किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो मैम अभी यही है कि अभी बच्चे बैठे हुए हैं, इससे पहले कि यहाँ से कुछ ऐसा हो जाए, हंगर स्ट्राइक पे हैं, कोई सुसाइड कर ले, कोई कुछ कर ले, मैम मजबूर है, एग्जाम्स आने वाले हैं, दिन को क्लासेस लगानी होती हैं, हॉस्टल में मैम वो माहौल नहीं मिल पाता, बाहर से डिस्टर्बेंस आती है। तो ये लाइब्रेरी है, 4 बजे तक हमारी क्लासेस होती हैं, उसके बाद पढ़ना होता है, तो मैम उसके बाद भी अगर टाइम ना मिले तो क्या करें मैम हम फिर? यहाँ स्टूडेंट्स का कहना है कि अब जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं, 4 बजे तक हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उसके बाद हॉस्टल्स में हमें वो माहौल नहीं मिल पाता, इसलिए इनकी लगातार ये डिमांड है कि जो ओपन यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल लाइब्रेरी है जो जम्मू यूनिवर्सिटी की, उसे 24/7 खोला जाए। आप इस समय देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये जम्मू यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, कल रात से यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और डिमांड एक ही है, 24/7 ओपन लाइब्रेरी, जहाँ इनका साफ तौर पे ये कहना है कि एग्जाम्स आ रहे हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी अगर 24/7 ओपन हो सकती है तो जम्मू यूनिवर्सिटी क्यों नहीं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे हंगर स्ट्राइक क्या लगता है कि हंगर स्ट्राइक का आपका ये डिसीजन कहीं आपके ये जो ओपन लाइब्रेरी की डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएगा? मैम, हमने जो पहले जितने भी अल्टरनेट थे वो हमने इस्तेमाल की, हमने इनको बार बार कहा है, एप्लीकेशनें दी, हमने मेमोरेंडम दिए कि हमें ये स्टूडेंट के इशू है कि हमें पढ़ना है। मैम, ये पढ़ने के लिए डिमांड है, कोई और डिमांड नहीं है। इन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया कि आप विद इन पैसेज ऑफ टाइम हम आपका ये मसला हल कर देंगे। मैम, ये बोल रहे हैं कि आप एलजी साहब जो हैं या यूनिवर्सिटी के चांसलर, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जम्मू के लोगों को पीछे धकेलने की कोशिश क्या की जा रही है। हम जम्मू के जो बच्चे हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक ये रोका जा रहा है। अब बताओ, रात बच्चे पढ़ते हैं और रात से यहाँ सिक्योरिटी वाले आते हैं, बोले यहाँ से निकल जाओ लाइब्रेरी। क्या रीजन लगता है कि आपको रात को यहाँ पर ओपन लाइब्रेरी देने का आपको जो है? मैम, ये रीजन तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन से आप पूछिए, उनसे सवाल पूछिए, वो क्या बताएंगे इस मसले में। हम ये चाहते हैं, आप देखो मैम, ये लिखा 24 आवर, लेकिन यहाँ हमें बैठने नहीं दिया जाता। बच्चे जो पढ़ने आते हैं यहाँ से, कल ये IAS ऑफिसर बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, कोई प्रोफेसर बनेगा, कॉलेज ये था कि आपका क्या मसला, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया, सिर्फ सिक्योरिटी वाले देखो लगा के रखे हैं, और कोई आ ही नहीं रहा। हमारा इशू सिर्फ इतना है कि हमें लाइब्रेरी दी जाए और हम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बच्चे पढ़े हैं या क्लासेस के पढ़े हैं वो क्वालिफाइड करें, बस इतना ही है। अब इनसे आप पूछ सकते हैं कि क्या मसला है, क्यों नहीं लाइब्रेरी दी जा रही इनको, अगर हमसे पे लिया जा रहा है एडमिशन टाइम हमें। तो जैसे कि आपने देखा, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है